Finally, we are back on the episode 2 of the Forza Horizon. तो जिसमें आप सभी को मिलने वाला है हमारे तरफ से एक सरप्राइज, जो बहुत जबरदस्त सरप्राइज होने वाला है. उससे पहले get ready, get prepared for the epic gaming journey with your brother. दोस्तों मैं परक और आप देख रहे हैं परक चीज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है. तो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि फोर्जा होराइजन का एपिसोड जो 1 था उसमें हमने किस तरीके से जो रेसेस को भले ही हम बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाए, रेसेस के टॉप रेसेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर नहीं आ पाए, पर हमने प्रोग्रेस करना नहीं छोड़ा था. ये आप सभी ने एपिसोड 1 देख लिया होगा. अगर एपिसोड 1 नहीं देखा है तो इस एपिसोड 2 के बाद जाकर आपको एपिसोड 1 देखना पड़ेगा, वरना आपको एपिसोड 2 और आगे के सारे एपिसोड्स आपको नहीं समझने वाले हैं. तो बेसिकली एपिसोड 1 में होता है कि सबसे पहली जो रेस होती है हमारी होराइजन फेस्टिवल सर्किट की, उसमें हम आते हैं 7th पोजीशन, फिर आते हैं 11th पोजीशन, फिर 12th, फिर जाकर 5 पोजीशन, और फिर हम एक स्टंट करते हैं मैक्लेरन सेन के साथ. मैक्लेरन सेन एक कार है जिसमें हम मूवी की शूटिंग में हमने भाग लिया था. उस हिसाब से हमारी जो गेम की फोर्जा और रजन की पॉपुलैरिटी वो हमें थोड़ी और बढ़ गई थी. बट हमें वो मूवी से कुछ गिफ्ट मिला है, तो चलते हैं आज के गिफ्ट, वो मूवी से जो गिफ्ट मिला है हमें उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने और एक नया रेस का नोटिफिकेशन भी आ गया है जो एक वापिस डर्ट रेसिंग है, मतलब एक और डर्ट रेसिंग, एक और लास्ट रेस, या तो क्वालिफाइड होंगे हम ऑचम रेस के लिए या हमें वापिस जीरो से शुरू करना पड़ेगा. तो लेट्स मूव टू द गेम. So, तैयार हो जाइए हमारे वो जो गिफ्ट जिन जो हमने फोर्जा होराइजन 4 से मूवी शूटिंग के स्टंट के दौरान जिसके बाद हमें जो मिला है वो गिफ्ट की तरफ हम सबसे पहले चलते हैं. तो लेट्स मूव टू द गेम. तो देख सकते हैं आप सभी, तो अभी तो हमारी जो लेंसिया 19, हमारी कौन सी गाड़ी है, लेंसिया 1982 की जो कार है हमें डेट रेस के द्वारा मिली थी. अब तो शुरुआत करते हैं फटाफट. तो बहुत सारा, तो ये देख सकते हैं आप फोर्जा होराइजन फेस्टिवल साइट की तरफ. तो अब चलते हैं सीधा हमारा जो मैप लोकेशन है, मैं आपको बता देता हूं एक बार. तो आप देख सकते हो ये वर्ल्ड मैप, हमें यहाँ से हमारे गिफ्ट की तरफ जाना है जो फुल स्पीड में, और आप इंजन साउंड सुन, और ये जो है जिसने अभी बोला टर्न शार्प लेफ्ट, वो है हमारी मैप असिस्टेंट, मतलब जैसे कह सकते हो एकदम फोर्जा होराइजन की ऑफ मैप असिस्टेंट एना. तो लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1. उसके पहले इंजन और टर्बो साउंड सुन लीजिए. लेट्स गो मैन. बहुत तेजी से हमें अभी थोड़ा थोड़ा करके सीखे हैं, पर इतनी अच्छी से सीखे नहीं है. घरे आज फोर्जा होराइजन में बहुत गर्दी है भाई. फटाफट अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस फटाफट लेंसिया 1984 कार के लिए कर दीजिए. ओ फुल स्पीड में 190 की. हमने इस गाड़ी को थोड़ा सा ट्विनिंग भी करवाया, तो जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा ट्विनिंग करवाया, थोड़ा ब्रेकिंग में ट्विनिंग करवाया, क्योंकि डर्ट रेस के लिए बहुत तेजी से काम करने वाली है. तो अभी हम 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हमें फुल स्पीड में जाना होगा, और वेदर भी बहुत सही है. भाई साहब इतना रास्ते में ट्रैफिक क्यों करते हो यार? चाहे हम ट्रक चलाए, ट्रक का गेम चलाए या कार की रेसिंग, पर रास्ते में ट्रैफिक तो करना है, मतलब करना ही है. 900 मीटर और हम पहुंचने वाले हैं हमारे शिट.
बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है हमारी जो लेंसिया 1984 कार का, जो मैं आपको बताता हूँ। अबे मेरी गाड़ी ठीक नहीं रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है। उसे तो हम बाद में पंगा मोल लेंगे, पर अभी हम आपको जो जो डेंट पड़ा है हमारी गाड़ी पे वो आपको दिखा देता हूँ, जो क्या ही डेंट पड़ा है। अब आपको चलते हैं, लेके चलते हैं इंटीरियर कॉकपिट में। 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट। अभी हमें लेफ्ट लेना है 400 मीटर्स बाद। अभी फोकस हमारा रहेगा, आज बहुत सारे लोग आए, क्या बात। टर्न लेफ्ट। तो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट गिफ्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द स्टंट ओनर? उस गिफ्ट के चलने से पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आपको गिफ्ट पसंद, उसके पहले थोड़ा गिफ्ट का इंट्रो हो जाए। तो 3 3 2 1, लेट्स मूव टू द गिफ्ट। तो उस यू गिफ्ट हैव है, अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। तो ये हमारा गिफ्ट का इंट्रो। सो बेसिकली ये रहा हमारा एक पहला घर जो हमने बाय किया, हमें मिला है गिफ्ट में बाय दी स्टंट राइडर। तो हम सबसे पहले हमारी कार कलेक्शन, जो आपको मैं आपको बताया था कि हमारी कार कलेक्शन क्या है, इस कार कलेक्शन को, नहीं नहीं भाई, ये तो हमारी लेजेंडरी कार मिली है हमारी लेंसिया, तो ये अभी डर्ट रेसिंग के लिए यही काम आएगी। तो चलते हैं अब फटाफट डर्ट रेसिंग की तरफ। हमारी एना कृपया करके हमें लोकेशन बताए डर्ट रेसिंग का, जो नई डर्ट रेसिंग है जो यहाँ से सीधा कितना बहुत दूर है। तो हमें अब पहुंचना Turn है डट। around when it is safe to do so. ओके, हमारी मिस एना जो हमारी असिस्टेंट है, मैप असिस्टेंट, तो ये रहा हमारा घर। तो हम भी आएंगे इस घर में वापिस, वो डट रेस करने के बाद आपको सही से बताएंगे। हमारे घर का होम टूर भी आएगा, फोर्जा ओरिजिन होम टूर। 3 3 2 1, लेट्स गो। तो 4-5 किलोमीटर की ये रेस है। हमारा घर अभी थोड़ा फ्री में मिला है, तो घर अभी अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी हमें चेक करने। 400 meters, turn left. 400 मीटर्स के बाद हमें एक लेफ्ट लेना है, तो भी यहाँ Turn से। left. ये तो हमारी आदत है, ये हमारी आदत है, हमने हमारी गाड़ी को कहाँ डाल दिया भाई, ये हमारी आदत है, पर हमारी अपनी गाड़ी को कहाँ डाल दिया भाई। ऐसे डेंट नहीं करना है, क्योंकि इससे हम रेस करते वक्त हम थोड़ा सा हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कह सकते आप कॉन्फिडेंस, वो कम हो जाएगा। फुल फुल स्पीड में, फुल 167 की स्पीड पे बढ़ाते हुए हमारी जो लेंस है 1982 19, हाँ 1982। In 400 meters, turn right. 400 मीटर्स के बाद हमें राइट की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पर ये जो आपको एरो Turn दिख रहे, right. नहीं, अगर हम इस एरो को, अगर एरो के जो ये एरोस दिख रहे आपको, अगर हम इस एरोस की लाइंस को समझे, तो अगर उस तरीके से हम फॉलो करें रेस में, तो हम रेस को जीतने के लिए बहुत सही पहुंच सकते हैं, मतलब रेस हम सही से जीत सकते हैं भाई। ट्रैक्टर कौन लेके आता है भाई फोर्जा होराइजन में? अभी हम आ गए हैं इंटीरियर कॉकपिट मोड पे, जो यहाँ से फुल तेजी से आगे बढ़ता हुआ डर्ट रेस की तरफ। बस 500 मीटर्स और हम पहुंचने वाले हैं हमारी एक नई रेस जो होने वाली है डर्ट रेस, और क्या हम क्वालिफाइड कर पाएंगे ऑचम रेस के लिए। यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। डर्ट रेस टेरन हॉर्स ग्रैबल, इस रेस का नाम है डर्ट रेस।
कैरन हॉर्स क्रैबल। तो एंटर, लेट्स गो। क्यों पराग भाई आ चुके हैं। पराग भाई की गाड़ी है ब्लैक, पराग भाई है व्हाइट। देखते हैं कौन जीता है आज So, की I should probably let you know that the muds will be real slippy out स्टार्ट। there because of all that rain we've been getting वो recently. बारिश की वजह Same से बहुत course, स्लिपरी है, totally different तो drive. पर हमें कैसे भी करके थर्ड पोजीशन पे तो आना है। आहा, पानी तो पानी है, चाहे गेम में हो चाहे रियलिटी में हो, पानी पानी होता है। हम अभी तक सेवेंथ पोजीशन पर है, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन के साथ ये रेड वाली गाड़ी को तो बहुत हो गया। थोड़ा फोर्थ पोजीशन पर है हम, कैसे तो करके हमें जो पानी आया है ना गाइस, आपकी स्क्रीन पर भी आया होगा, ये फोर्जा की ग्राफिक्स है ब्रो। हमारा पीछे का वो बोनट चला गया भाई फोर्जा की ग्राफिक्स की वजह से। अरे R2 रिवाइंड करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि चेक पॉइंट मिस हो गया है, नहीं तो लोचा हो जाएगा। रिवाइंड, वापिस रिवाइंड, वापिस रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये बस 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 अरे बस 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 चेक पॉइंट कलेक्ट कर लिया है। अभी यहां से आगे चलते हैं। अगर चेक पॉइंट हम नहीं ले पाते इसमें, आप कौन सी भी रेस में, तो आपको चेक पॉइंट वापिस लेना होगा क्योंकि ये रेस गेम है और ओपन वर्ल्ड है। क्या हम फर्स्ट आ पाएंगे? अभी तक हम सेकंड पर आ चुके हैं गाइस, हम सेकंड पर आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ हमारी रेस कैसी रही, रेस हमारी फीडबैक रेस का। क्या हम फर्स्ट आ पाएंगे? रेड कार, बहुत सही कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है गाइस, बहुत स्लिपरी है। हम फर्स्ट पोजीशन पर है अभी, पर अभी क्या ओवर एक्साइटेड में नहीं होना है क्योंकि ओवर एक्साइटेड इज द लीड टू लॉस। अरे 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 बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। वो क्या पानी था भाई, क्या पानी। चलो 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 फटाफट फटाफट गाइस, बच्ची हमें जीतना है। इजी 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 मैन इजी। सेकेंड लैप की तरफ, क्या चेक पॉइंट मिस हुआ है? नहीं, नो चेक पॉइंट मिस। हमारे पीछे हमारी गाड़ी पूरी कॉनवे जाता हुआ, कॉनवे आता हुआ। क्या हम फर्स्ट ही पाएंगे, क्या फर्स्ट से सेकेंड हो पाएंगे, वो हमें देखना होगा रेस के एंड में। पर अगर हम ये सब फालतू गिरी जो बीच में करेंगे उससे हम इस रेस को नहीं जीत पाएंगे। कैसे करके हमें आगे निकलना है। फर्स्ट पर है हम, अभी फर्स्ट पर है, थोड़ा स्लिपरी रोड है तो हमें थोड़ा स्लो स्लो करके चलाना होगा। स्लिपरी रोड है, लास्ट लैप चलता हुआ, लास्ट लैप फाइनल लैप। काउंटडाउन बिगिंस। पराग भाई का कमबैक होगा इस वीडियो में कि नहीं, मुझे बताओ कि हमारा कमबैक होने वाला है इस वीडियो में कि नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान अभी इस गेम पर फोकस है। और पानी उड़ाते हुए, वॉट अ पानी भाई, वॉट अ वॉटर स्प्लैश, जो वाटर स्प्लैश हुआ है भाई भाई सही है सही है सही है, बहुत सही चल रहे। 12 पोजीशन से हम अभी फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले। और इसी के साथ ये क्या था, व्हाट, हमें लगा कि रेस खत्म हो गई, पर अभी मौका है, मौका है इस रेस को जीतने का, इस रेस के साथ ये अचीवमेंट बनाने का कि क्या हम इस रेस को खत्म कर पाएंगे फर्स्ट लाइन से। पर फर्स्ट तो नहीं, सेकंड जरूर कंप्लीट किया है हमने, सेकंड कंप्लीट किया सेकंड रेस। तो आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट जरूर होगी, बट हम इसी के साथ रेस जीत चुके हैं। यो यो, ये हमारा रिवॉर्ड आप सभी का। तो आज की हमारी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग रेस जिससे हम क्या क्वालिफाई कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे, उसके बीच में फंसे हुए थे। फाइनली ड्राइव,
What a time! We'll have you in round two of the Dirt Racing Series. Thank you very much. Thank you very much. It doesn't matter if you've already done this route. The fans will keep coming back for more. You'll get noticed, and it'll help you qualify for the next round. It's a win-win. It's a win-win. Hey, Pat. Welcome to the Horizon Autumn season. My team are helping me find our most influential rookie to complete the next showcase. Wanted to be you? Convince me. So guys, that tells me you're in round two finally, of the road racing series. And Joel mentioned that someone named Mike Steele is after you about a stunt thing. Speaking of stunts, Jay's on the hunt for our next stunt events. Alex says he's ready to kick off round two of dirt racing, but he's really excited to get going on the cross-country series. बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे रेस में अनलॉक हो चुकी है, देख सकते हो आप बहुत सारी ऐसी चीजें अनलॉक हो चुकी है, तो जिससे आप देख पा रहे हो कि हमें नई नई चीजें अनलॉक करने को मौका मिल चुका है। एक तो सबसे पहले है डर्ट रेस का राउंड टू, और एक है ट्रेन वेटर नहीं देयर वेंट वॉटर ट्रेल, और एक एल सुपर सेवन होराइजन का, और बहुत सारी ऐसी चीजें, द स्टंट ड्राइवर वापिस हमें मिल रहा है। तो मिलते हैं हम ऐसी और नई वीडियो में, तो अगले एपिसोड में क्या हम कौन सी रेस कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको ऑप्शंस दिए और बहुत सारी, कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो, आई होप सो आप सभी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, लाइक एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। Or I can send the catalog to your house if you prefer. एक सेकेंड, The Horizon Super 7 आ चुका है और उसमें हमें कौन कौन सी गाड़ी देखने को मिल रही है, 1924 की Austin 7 और 1979 की Trumpin TR 7 जो लेवल 5 और लेवल 10 पर हमें मिलेगी। ये तो कैटलॉग दिखाया था उनने, तो फाइनली मिलते हैं इसी एपिसोड अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। आई होप आप सभी लोग ने आज की इस रेस को एंजॉय किया होगा। अभी कोई मुझे बोल सकता है कि क्या हम जहाँ 12th पर पोजीशन पर थे आज हम फर्स्ट पोजीशन की रेस से जीते। हमारी लेंसिया कार के लिए फटाफट सभी लोग लाइक, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी का इस वीडियो पर फीडबैक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा पर जाकर फॉलो और ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, जय हिंद दोस्त। तो दोस्तों मैं पर आप देख रहे हैं पर